कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हाँ भाई, शालिनी हुबलीकर चैनल जब से आप लोग देख रहे हैं तो आप भी टॉपर बन गए हैं और आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के आपके स्कूल में। तो ये आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो अभी कमेंट के साथ साथ आपका नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। तो इसमें मैंने नाउन जो है ना वो ऑलरेडी सिखा के मेरा हो गया है और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब होता है, देखो नाम मतलब होता है, नाउन का मतलब होता है नाम एंड प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, अभी है ना प्रोनाउन मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी मेरा एक्सप्लेन करके हो गया है, फिर भी मैं एक बार आपका रिवीजन भी करा देती हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। जैसे अभी आप कुछ लिख रहे हैं तो आप या फिर कुछ बोल रहे हैं तो अभी एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि धनश्री इज अ गुड गर्ल। ओके, धनश्री इज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, धनश्री इज वेरी नाइस गर्ल, धनश्री इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो अभी मैं हर बार बोल रही हूँ धनश्री 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 धनश्री, तो जरा कैसे वो बोरिंग साउंड करता है या नहीं। तो धनश्री जो है वो हो गया नाउन है ना, और अभी मैंने बोला धनश्री इज अ गुड गर्ल, फिर हर बार मुझे धनश्री 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 लिखने की क्या जरूरत है। तो धनश्री इज अ गुड गर्ल फुल स्टॉप, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो अभी मैंने क्या लिखा, धनश्री के बदले में मैंने लिखा शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि अभी लड़की है ना तो हम लोग शी लिखेंगे, अगर लड़का है तो हम लोग लिखेंगे एच ई ही। ओके, जैसे राज इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। याद आ गया ना, अभी जल गई ना तुम लोग के दिमाग की बत्ती। हाँ, तो कैसा लगता है जब फटाक से याद आता है, अभी लेकिन भूलना मत है तुम लोग। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे ही होते हैं प्रोनाउन। तो अभी प्रोनाउन के बारे में और हम लोग ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नेमिंग वर्ड, जो नाउन के जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है, और जो जो भी अभी मैं बता रही हूँ ना तो आपके एग्जाम के रिलेटेड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते ही है एग्जाम में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या, अभी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताए थे। ठीक है, तो अभी वह इसमें देखो एग्जांपल में अभी कौन से जो है वो प्रोनाउन वर्ड्स है, तो वो है आई, मी, वी, अस। आई यानी मैं, मी यानी मेरा, वी हम, अस हमारा, यू तू, ही यानी लड़का जो होता है ना उसको ही बोलते हैं, हिम उसका, उसे गिव हिम उसको दे दे, ऐसे बोलते हैं ना गिव हिम दिस बुक ऐसे। तो हिम यानी लड़का, लड़की को हम लोग बोलते हैं हर, एच ई आर हर। ओके, शी लड़की, अगर लड़का होगा तो क्या होगा, ही होगा। हर इट दे, ठीक है। तो इस तरह से ये है प्रोनाउंस। ओके, तो यहां पर देखो हम लोगों को उन्होंने दिया है अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस। वन, ग्रैंडमा टोल्ड हर अ स्टोरी। तो ग्रैंडमा यानी नानी, दादी कोई भी हो सकती है, दादी माँ ने उसे कहानी सुनाई, किसे, लड़की को, हर। टू, शी लव्स टू रीड बुक्स, कौन है, लड़की, उसको क्या पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है। थ्री, आई मेट हिम इन अ बस, आई हिम, हिम यानी कौन है, वो लड़का है। फोर, इट इज
इट इज अ प्रेटी डॉल. तो इट क्या है, इट इज अ प्रोनाउन. फाइव, वी कैन विन दिस मैच. ये मैच हम लोग जीत सकते हैं, हम ये मैच जीत सकते हैं. सिक्स, दिस इज हर बैग. ये बैग उसका है. हर का मतलब है लड़की, हिम यानी लड़के के लिए हिम यूज करते हैं. ध्यान में रखना, मैं बार बार बोल रही हूं आपको, लड़का होगा तो ही यूज करते हैं, लड़की होती है तो शी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है. ठीक है, तो जरा बी केयरफुल. सेवन, विल यू प्ले विथ मी, विल एंड मी. विल, ये देखो ये बच्चे ने यहां पर गड़बड़ कर दी है. विल प्रोनाउन नहीं आता है, जल्दबाजी ना बिल्कुल मत करना. यू जो है यू प्रोनाउन है, ठीक है, विल प्रोनाउन नहीं है प्लीज. तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी. तो यू, विल यू प्ले विथ मी, मी इज प्रोनाउन, ओके, विल नहीं है, ध्यान में रखना यू है. नाउ एट, दे लिव इन दिल्ली. नाइन, ही इज गोइंग टू द मार्केट. टेन, वी आर प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोनाउंस है इसे हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिए है. एंड आई होप तुम लोगों को अभी अच्छे से समझ में आ गया है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और किस तरह से आपको प्रोनाउन जो है वो यूज करने होते हैं सेंटेंसेस में. ठीक है, और आप लोग बुक रीडिंग करते रहना, रीडिंग करने की आदत रखना. ठीक है, जितना ज्यादा रीड करोगे उतने ज्यादा स्कॉलर बनोगे. ठीक है, आप बनना चाहते हो ना स्कॉलर, तो स्कॉलर टीचर के स्कॉलर बच्चे है क्या नहीं. और लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलना. दे दिया लाइक, ओके थैंक यू. आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिएगा, और हाँ फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जैसे ही कितने तो बच्चे होंगे जिन्हें बहुत सारे कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स होंगे, है क्या नहीं. तो फ्री है मेरा ये चैनल, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरा इस चैनल को पहुंचाने में आप मेरी मदद कीजिए. ठीक है, चलो देर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को एंड बाय बाय.